हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक रह गया अपना, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो भाई, इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है भाई, तो आज क्रॉस प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.4 भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, आज ये चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है भाई, तो देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? आपने ये पढ़ा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल भी होता है लेकिन हम थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड। तो ये हो गया अपना एक्स, ये हो गया अपना वाई, ये हो गया अपना जेड। अगर मैं इसको रोटेट करवाऊं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने इस तरीके से इसको रोटेट करवाया, समझ रहे हो? मतलब ऐसे मान लो, ये हमारे पास एक, ये हमारा हैंड है। मैंने क्या करा, एक्स को ना वाई की तरफ लेकर के आया, एक्स को मैं वाई की तरफ लेकर के आया। तो रूल बोलता है कि जो आपका थंब है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ। अगर आप एक्स को वाई की तरफ लेकर के आओगे, एक्स एक्सिस को वाई की तरफ रोटेट करवाओगे, तो ये बोलता है कि जो आपका थंब है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। करके देखो भाई, अगर आप एक्स को वाई की तरफ लाओगे तो थंब जो है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप मान लो, फिर से एक मान लेते हैं यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। लेकिन अगर आप इसको y को x की तरफ लाओ, ठीक है भाई, अब आपने क्या करा, मतलब मैं y को जो है इस तरीके से लेकर के आ रहा हूँ, मतलब y को जो है इस तरीके से लेकर के आ रहा हूँ, तो ये जो थंब है ना हमारा, देखो इस तरीके से y जो है ना वो x के पास लेकर के आ रहा हूँ, तो थंब क्या करेगा, थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि ये नेगेटिव z एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? थोड़ा सा मतलब कॉपी पे है तो थोड़ा एडजस्ट करना आप, अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? फिर मैं और किसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप यहाँ पे समझो कि अगर मैं, अगर एक्स को जो है वाई एक्सिस की तरफ, एक्स को वाई की तरफ लेकर के आता हूँ, तो थंब पॉजिटिव जेड एक्सिस दिखाता है। अगर वाई को एक्स की तरफ लेकर के आता हूँ, इस तरीके से रोटेट करवाता हूँ, तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस को पॉइंट करेगा। तो ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रोटेशन के बाद। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इसके बीच में एंगल है मान लो थीटा। तो जो ए क्रॉस बी है, इसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जो दोनों के बीच में एंगल है वो साइन के साथ, और इनटू में होता है यूनिट वेक्टर। देखो भाई, यहाँ पर ये जो होगा ना, ये यूनिट वेक्टर होगा, ये क्या होगा, एन कैप। तो यहां पर ए बी और एन, यहां पर जो ए बी और एन है, ए बी एंड एन कैप फॉर्म क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन्होंने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। जैसे ये तीनों है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे इन्होंने भी बना लिया, ए बी और एन ने। ये तीनों ने क्या फॉर्म कर लिया, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म कर लिया। अगर आप ए को बी की तरफ रोटेट करवाओगे, अगर आप ए को बी की तरफ रोटेट करवाओगे तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज एन कैप। अगर आप बी को ए की तरफ रोटेट करवाओगे तो ये थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज माइनस एन कैप। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप देखो, फिंगर को अगर ऐसे कर्ल करोगे तो थंब ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अगर आप फिंगर को ऐसे कर्ल करोगे तो ये थंब नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, माइनस यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव साइड है और ये इसका नेगेटिव साइड है। ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो एन कैप है इज अ यूनिट वेक्टर, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। एक एक बात पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये।
तो यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर जेड एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है ना, बिल्कुल सेम। यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या होता है, दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। समझ में आ गया, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कभी भी जो है दो वैक्टर के बीच में क्रॉस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, अब मेन आती है इसकी प्रॉपर्टीज जो हमको पढ़नी है एक्सरसाइज 10.4 के लिए। एक एक करके समझो प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है भाई, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। यहां पर ए क्रॉस बी जो है ना, मतलब जब आप क्रॉस करोगे तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, यानी कि आईजे के फॉर्म में आएगा। आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट जब हम कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, जब डॉट प्रोडक्ट हमने करा तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एक नंबर आता है, एक रियल नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा। अब कई बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर डॉट कब लगता है, क्रॉस कब लगता है? बहुत कन्फ्यूजन होती है कि डॉट कब लगाएं और क्रॉस कब लगाएं। तो भाई अगर आपको रिजल्ट में वैक्टर चाहिए, मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको दिख रहा है यार मेरे को रिजल्ट में एक वैक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे। और अगर आपको प्रोडक्ट में मतलब एक रियल नंबर की रिक्वायरमेंट है, एक नंबर एक मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, तो आप फिर डॉट प्रोडक्ट लगाओगे। बात समझ में आ रही है क्या बोला? अगर आपको एक वेक्टर चाहिए तो क्रॉस करोगे, और अगर आपको सिर्फ नंबर चाहिए, आंसर एक नंबर में चाहिए, तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो किसी दो वेक्टर का क्रॉस जीरो आ गया तो इसका दो मतलब है, दो पॉसिबिलिटी है, इधर ए वेक्टर, या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा। भाई दोनों में से अगर मान लो कोई एक दोनों का क्रॉस करा जीरो आ गया, तो पक्की बात है दोनों में से कोई सा जीरो है, तभी उसने जीरो बनाया प्रोडक्ट को। या फिर अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है यानी कि पैरेलल वेक्टर है या कोलिनियर वेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर, तब भी पैरेलल वेक्टर है या कोलिनियर वेक्टर है तब भी इनका क्रॉस क्या आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा भाई? अगर पैरेलल वेक्टर होंगे तो थीटा क्या होगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा ना। और अगर थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो तो जीरो होता है, तो ये पूरे को जीरो कर देगा। बात समझ में आ रही है? अगर पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच में कोई एंगल बनेगा नहीं, थीटा जीरो होगा। और अगर थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो होता है, जीरो पूरे को जीरो कर देगा। तो आपने यहां पर क्या सीखा, अगर दो वेक्टर का क्रॉस जीरो आ गया है मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल कोलिनियर, या फिर अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है तो पक्की बात है उनका क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर जो रिवर्स बात है वो भी आपको याद रखनी है। अब इसका कुछ पर्टिकुलर केस है इसी का, कि भैया अगर आपने किसी भी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करा तब आपको जीरो मिलने वाला है, ऐसे या ऐसे ए क्रॉस माइनस ए करोगे तब भी आपको जीरो ही मिलने वाला है। डिपेंड करेगा, यहाँ पर थीटा जीरो डिग्री है और यहाँ पर थीटा पाई डिग्री है। भाई कोई भी वेक्टर है मान लो ए, ये खुद के साथ थोड़ी एंगल बना लेगा, है कि नहीं? तो थीटा जीरो होगा तब भी क्रॉस जीरो आएगा। और मान लो एक वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया, माइनस ए हो गया ना, तो एंगल कितना हो गया बीच में, पाए। तो साइन पाए भी जीरो ही होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन पाए भी जीरो होता है। देखो साइन पाए पुट करोगे तब भी आंसर जीरो ही आने वाला है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमने क्या सीखा, किसी भी वेक्टर को अगर खुद के साथ क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा आंसर जीरो, नेगेटिव भी हो चाहे तब भी आंसर मिलेगा आपको जीरो। ठीक है भाई, इसका थर्ड केस क्या है, अगर थीटा पाई बाय टू है तो ए क्रॉस बी कितना होगा, फिर होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर जो साइन 90 है, थीटा पाई बाय टू है तो ये तो वन हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये आज पे आ जाएगा एन कैप। तो अगर थीटा पाई बाय टू है तो साइन 91 होता है, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से मिला हमको एक चीज, जैसे मान लो आपके पास ये साइकिल है आई जे और के, इस तरीके से चल रहे हैं हम। अगर आपने आई क्रॉस आई करा, जे क्रॉस जे करा, के क्रॉस के करा, अभी बताया ना, अगर किसी भी वेक्टर को सेम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, आंसर क्या मिलेगा, जीरो। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन अगर आपने आई और जे को क्रॉस करा तो याद रखना आपको तीसरे वाला वेक्टर मिलेगा। देखो मैं समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। जैसे मान लो ये हमारा है, ये आई है, ये जे है और ये के है,
तो भाई आप आई को जे की तरफ रोटेट करवा रहे हो ना, आई क्रॉस जे निकाल रहे हो। तो मैंने क्या बोला था, आई जे के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं ना, तो आई क्रॉस जे निकालोगे तो क्या मिलेगा, तीसरा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो के ही तो है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बताया, ए बी एन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, तो ए और बी को क्रॉस करा तो तीसरा वेक्टर कौन है, एन। मैंने बोला ना यूनिट वेक्टर इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जब आप आई और जे को क्रॉस करोगे है ना, और जब आप इसको रोटेट करोगे इस तरीके से, आई को जे के पास लेकर के आओगे, फिंगर को मैंने ऐसे कर्ल करा, तो ये तीसरा वेक्टर क्या देगा आपको, रिजल्ट देगा, दैट इज के। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, याद रखना दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा तीसरा वेक्टर होगा, जो बचा हुआ तीसरा वेक्टर है। डिपेंड करता है आप आई को जे के पास लेकर गए तो के कैप बनेगा, फिर अगर आप जे को के पास लेकर के जाते हो तब भी तीसरा वेक्टर मिलेगा आपको आंसर, जो कि आई होगा, और अगर आप के को आई के पास लेकर के आते हो तब भी आपको रिजल्ट में मिलेगा तीसरा वेक्टर, जो कि के है। ठीक है भाई, क्यों, देखो भाई फिर से एक बार समझ लो, जब आई को जे के पास लेके आ रहे हो तो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर होता है, पॉजिटिव यूनिट वेक्टर जो कि के कैप है। अब कई बच्चे बोलेंगे अगर जे क्रॉस आई कर दिया तो क्या होगा, अगर उल्टा कर दिया तो क्या होगा। तो भाई मैंने क्या बोला था आपको, अगर आप जे को आई के पास लेकर के आ रहे हो तो आपको नीचे की डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा, दैट इज माइनस के, वो नेगेटिव यूनिट वेक्टर था कि नहीं पीछे। तो अगर आपने उल्टा कर दिया इसको, के क्रॉस जे वो भी माइनस आई होगा, और अगर आई क्रॉस के कर दिया तो भी माइनस। तो आप ये याद कर लो, अगर इस तरीके से रोटेट करवाओगे, आई जे करोगे तो के मिलेगा, जे के करोगे तो आई मिलेगा, के आई करोगे तो जे मिलेगा। अगर आपने उल्टा घुमा दिया इसको, जे आई करोगे तो माइनस के, आई के करोगे तो माइनस जे, के जे करोगे तो माइनस आई, उल्टा। तो आपको ये देखना है कि आप फिंगर को कर्ल इस तरीके से कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव साइड मिलेगी, इस तरीके से कर रहे हो तो आपको नेगेटिव साइड मिलेगी। दोनों मैंने बताया कॉन्सेप्ट, या फिर आप इसको इस तरीके से याद भी कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद अगला है, अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो ए दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लोगे आप, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर है, अभी ऊपर पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको, और अपॉन में क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब ये बना कैसे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है भाई। अगर मैं हर तरफ मॉड कर दूं, हर तरफ मॉड, इसका मॉड ले लिया, इसका मॉड का मॉड लेने का कोई मतलब नहीं है, मॉड ए मॉड बी, साइन थीटा का भी कोई मतलब नहीं है, और यूनिट वेक्टर का मॉड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो साइन अगर चाहिए तो इसको नीचे ले जाओ, बस बन गया फॉर्मूला। तो कैसे बना उतना मैटर नहीं करता, वैसे बना कैसे, सिंपल मॉड मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका भी मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड नहीं लेते, वो नंबर ही देगा, तो इसको रहने दिया, इसको रहने दिया, इसको रहने दिया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना, ये नीचे चला गया। तो अगर कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। और वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, कौन सी प्रॉपर्टी थी, सिक्स्थ पे आ जाओ भाई, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, यानी कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से नहीं लिख सकते हो। अब इसका रीजन समझ लो, मान लो दो वेक्टर हैं, ये ए है और ये बी है, और मैंने इसको ए को बी की तरफ लेकर के आया। जब मैं इसको इस तरीके से लेकर के आ रहा हूँ, ए को बी की तरफ लेकर के आ रहा हूँ, तो फिंगर ऊपर की तरफ कर्ल हो रही है, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। और अगर मैं इसको बी को ए की तरफ लेकर के आता हूँ, ये बी है और ये ए है, इसको मैं अगर इसकी तरफ लेकर के आता हूँ तो यहाँ पर थीटा बनेगा। अगर मैं इसको इसकी तरफ लेकर के आता हूँ तो ये पेपर के अंदर है, तो ये बनेगा माइनस एन वन, नीचे की तरफ बनेगा माइनस एन, या फिर मतलब सिंपली एन और माइनस एन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर फिंगर को अगर ए को बी की तरफ लेकर के जाओगे, ए को बी की तरफ लेकर के जाओगे इस तरीके से, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा पॉजिटिव, और अगर बी क्रॉस ए करोगे, बी को ए की तरफ लेकर के आओगे तो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज नेगेटिव, यानी कि
ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? माइनस बी क्रॉस ए के, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फर्क पड़ गया ना, ऊपर पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता, अगर बराबर करना है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स, मतलब अगर इसको आपको उल्टा करके लिखना है तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको आगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी को देखते हुए, अगर मान लो लेट ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? दैट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ, ये होगा इसका एरिया। अगर मान लो भाई कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, और आपको उसको एडजेसेंट साइड दे रखी है ए और बी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है ए और बी, तो इसका एरिया चाहिए आपको। तो क्या फॉर्मूला होता है? क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल दो हाफ, उन्हीं दोनों जो दोनों साइड दे रखी हैं उनका क्रॉस करके मैग्नीट्यूड का हाफ, वो आपको देगा ट्रायंगल का एरिया। और अगर ए और बी एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, लेट ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसके अंदर हाफ नहीं आएगा भाई, मान लो ये ए है और ये बी है तो इसका एरिया आपको चाहिए, तो हाफ नहीं आएगा, बस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में, यानी कि ए वन आए, ए टू जे, ए थ्री के, और बी वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में बी वन आए, बी टू जे, बी थ्री के, और आप चाहते हो ए क्रॉस बी निकालना, ए वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में, बी वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में, आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो, तो ये होता है आई जे के। तो आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट बनाना है, पहले वाला जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट यहाँ पर लिख दो स्केलर कंपोनेंट, और ये वाले के यहाँ पर लिख दो। उसके बाद आपको इसको प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करना है। कैसे? पहले लिखो आई कैप, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, इसको इससे, इसको इससे, ए टू बी थ्री, ए थ्री बी टू, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। फिर लिखो माइनस का जे कैप, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, फिर ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन। फिर के कैप करो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ए वन बी टू ए टू बी वन। तो इस तरीके से आपको इन दोनों का क्या मिल जाएगा? क्रॉस। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है और अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो तो ये डिटरमिनेंट बना करके आपको सॉल्व करना है। तो ये है भाई इस एक्सरसाइज के पूरे कॉन्सेप्ट। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई पहले में क्या है, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस सेवन जे प्लस सेवन के। ए वेक्टर है आई माइनस सेवन जे प्लस सेवन के, और बी वेक्टर है थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू के, थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू के। क्या बोल रहे हैं? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। कैसे बताया था? डिटरमिनेंट बनाओ आई जे के, तो वन माइनस सात सात, और तीन माइनस दो दो, लिखो प्लस माइनस प्लस। पहले वेक्टर बनाओ, ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, माइनस फोर्टीन, और ये क्या होगा? माइनस फोर्टीन, लेकिन इसका साइन चेंज करना है क्योंकि ऑलरेडी बीच में माइनस होता है, समझो ध्यान से। पहले माइनस फोर्टीन, यहाँ पर भी माइनस फोर्टीन, बीच में पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस फोर्टीन। फिर माइनस का जे लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, टू, ये हो गया प्लस का इक्कीस, लेकिन माइनस का इक्कीस लिखो। फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया माइनस टू, ये आ रहा है प्लस का इक्कीस, लेकिन प्लस का इक्कीस लिखो।
माइनस का 21 आ रहा है, साइन चेंज करके लिखो। तो यहाँ से आपको ए क्रॉस बी मिल गया, ये तो भैया जीरो हो गया, ये माइनस 19j प्लस हो गया, प्लस का 19k, ये वेक्टर बन गया क्रॉस। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका आंसर होगा 19√2। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 19√2। क्वेश्चन टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टू में बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर ए और बी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर टू में आपको ए दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k और बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, a प्लस बी निकाल लो, अभी समझाता हूँ। पहले आप a प्लस बी निकालो, मैं इसको c वेक्टर मान लो। प्लस कैसे करते हैं, i को i से 4i, j को j से 4j, k गया 0। फिर आप a माइनस बी भी निकालो, मैं इसको d वेक्टर मान रहा हूँ। a माइनस बी भी निकालो, तीन में से एक गए 2i, दो में दो गए 0, 2 माइनस माइनस 2 प्लस का 4। अब वो आपको क्या बोल रहा है ज़रा ध्यान से समझो, बोल रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो भाई मान लो सी और डी, ये दो वेक्टर हैं, सी और डी दो वेक्टर हैं, बोल रहा है इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो, इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकलेगा, दोनों को क्रॉस करके ही तो निकलेगा, यही तो समझाया था पीछे देखो कॉन्सेप्ट में कि भाई तीनों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, इन दोनों का क्रॉस ये होगा, तीसरा वेक्टर देता है यूनिट वेक्टर। तो जब भी आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा इन दोनों का क्रॉस। तो क्रॉस करते हैं इन दोनों का, जरा क्रॉस करो, कैसे बताया था क्रॉस, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, ये हो गया 440 और ये हो गया 204। तो निकालो ज़रा, मतलब कि पहले आई लिखो, प्लस माइनस प्लस, आई लिख दिया, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 16 माइनस 0, फिर माइनस जे लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 16, ये भी 0 हो गया, फिर के लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 0 और ये प्लस 8 आ रहा है तो माइनस 8 हो जाएगा। तो सी क्रॉस डी क्या हो गया, ये हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k। सी क्रॉस डी ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आ गया ये, लेकिन अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है भाई। ये जो वेक्टर होता है ये इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको भी हम एक नया वेक्टर मान लेते हैं, मान लो ई वेक्टर। तो ई वेक्टर क्या आ गया, 16i 16j 8k। मुझे क्या करना है, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, मैग्नीट्यूड निकालो ज़रा, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 64। तो ये हो जाएगा अपना 512 और 64 कितना होता है, 576। 576 और 576 का रूट कितना होता है भाई, 576 होता है 24 का रूट। तो E का मैग्नीट्यूड आ गया। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि सबको 24 से डिवाइड कर दो। तो 1 बाई 24 इंटू 16 और 1 बाई 24 इंटू 8, क्या आया आंसर, 16 के टेबल 16 और 24 8 के टेबल से कट रहे हैं, 2 बाई 3i 2 बाई 3j और 1 बाई 3। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि इन दोनों के, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है भाई। तो जब कभी भी आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो आपको उन दोनों का क्या करना है, क्रॉस करना है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, देखो भाई, यूनिट वेक्टर तो ये भी हो सकता है और नीचे वाला भी तो हो सकता है, माइनस एन कैप हो सकता है कि नहीं भाई, इन्हें बोला यूनिट वेक्टर निकालो,
अब वो तो ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है और नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, ठीक है। तो मैंने अभी क्या करा है, ऊपर की डायरेक्शन वाला निकाला है। अगर आपको ये निकालना है माइनस एन कैप, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इनके साइन चेंज कर दो। जैसे कि आपको अब माइनस आई कैप निकालना है ना, ई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2/3 i प्लस 2/3 j प्लस 1/3। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? जब कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वो तो ऊपर की डायरेक्शन में भी और नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ऊपर वाला तो सिंपल आप रूल से निकाल लो ये, और नीचे वाला जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो बस इसके साइन क्या कर देना। ठीक, तो दो यूनिट वेक्टर आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या होता है भाई, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई। देखो भाई, बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, तो मैंने आपको बता रखा है यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं एलिमेंट, होते हैं कि नहीं भाई। जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं आई जे के साथ लिखा होता है वो डी आर होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे और कॉस गामा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे और कॉस गामा के, ऐसे भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये वेक्टर जो है ना π/3 एंगल बना रहा है आई के साथ, यानी कि एल जो कि कॉस अल्फा है, अल्फा आपको π/4 दिया, π/3 दिया हुआ है, और जे के साथ बना रहा है π/4, यानी कि एम होता है कॉस बीटा और बीटा आपको दिया हुआ है π/4। बोल रहा है एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है विद के, यानी कि एन होता है कॉस गामा, लेकिन गामा बोला थीटा मान लो, ठीक है जी। बोल रहा है थीटा बताओ और ए वेक्टर के कंपोनेंट भी बताओ, यानी कि एलिमेंट भी बताओ। तो भाई अगर आपको याद हो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, तीनों का स्क्वायर का सम होता है 1, तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। एल कितना है पुट करो भाई ज़रा, कॉस π/3, कॉस 60 क्या होता है 1/2। एम कितना है, कॉस π/4 यानी कि 1/√2, और एन कितना है, कॉस थीटा। तीनों की वैल्यू ज़रा लगाओ यहाँ पर, 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो इसको, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये 1/2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 - 2 -1, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/4, कॉस थीटा हो जाएगा 1/2, रूट लगा दिया ना 1/2, 1/2 का बात है π/3 पर। एक्यूट एंगल निकालना था तो π/3 है, उसके बाद इसके कंपोनेंट निकालने हैं एलिमेंट की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस π/3 आ गया ना ये, तो कॉस π/3 क्या होता है, 1/2। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे, क्या होगा, 1/2, 1/√2, 1/2, ठीक है भाई। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं एलिमेंट, दैट इज दिस, तो ये आ चुका, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ भाई, फोर में बोल रहा है प्रूफ करना है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी टू ए क्रॉस बी होगा, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 2a x b के, इसको इक्वल करना है, करते हैं भाई। ए को क्रॉस करो पहले ए के साथ, ए क्रॉस ए, फिर ए को करो बी के साथ ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस बी। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था किसी भी सेम वेक्टर को क्रॉस करोगे, कोई भी अगर सेम वेक्टर को आप क्रॉस करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। यानी कि यहाँ पर ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी, ये तो भैया दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया 0, ये हो गया ए क्रॉस बी, और ये हो गया माइनस बी क्रॉस ए, और ये हो गया 0, ये दोनों ख़त्म। तो बचा ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए। अभी हमने बताया था पीछे कि भैया आप इस ये कॉम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता नहीं है तो कटेगा नहीं, लेकिन अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को उल्टा करना है, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखना है तो कर सकते हो आप, लेकिन आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, दैट इज प्लस। बताया था ना ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है,
तो ए क्रॉस बी कितना हो गया, 2 ए क्रॉस बी, तो ये आंसर ना। ठीक है भाई, फिफ्थ फिफ्थ में बोल रहा है आपको लैम्डा और म्यू निकालना है। ठीक है भाई, कॉमर्स वालों को ये नया होता है अल्फाबेट, तो इसको बोलते हैं म्यू, एम यू। तो ये 2i + 6j + 27k, 2i + 6j + 27k क्रॉस आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा, जीरो वेक्टर के बराबर है। बोल रहे लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ, इन शॉर्ट इनका क्रॉस करना है यार। क्रॉस कैसे करते हैं, आई जे के, 2, 6, 27, 1 λ μ इक्वल टू जीरो वेक्टर के बराबर है। तो कैसे निकालते हैं क्रॉस, पहले आई लिखो, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 6μ - 27λ, फिर माइनस का जे लिखो, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 2μ - 27, फिर प्लस का के, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 2λ - 6 इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है भाई, ये माइनस को ना मैं अंदर लेकर के जा रहा हूँ ताकि तीनों ही प्लस के हो जाए। प्लस का जे इसको अंदर ले गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2μ + 27 और के हो गया 2λ - 6। सामने जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर क्या होता है, 0i 0j 0k। दो वेक्टर अगर आमने सामने इक्वल है तो आई वाले के इक्वल होगा, जे वाले के इक्वल कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए, और के वाले के इक्वल कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको लैम्डा तो मिल गया 3 और यहाँ से आपको म्यू मिल गया 27/2। ठीक है जी, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, गिवन दैट ए डॉट बी इज जीरो एंड ए क्रॉस बी इज ऑल्सो जीरो, ए डॉट बी जीरो है, ए क्रॉस बी भी जीरो है, तो बोल रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बारे में क्या कहना चाहोगे। देखो भाई, ये जीरो कब होता है, या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो या दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ए जीरो हो बी जीरो हो या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। अब देखो भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो दोनों का डॉट और क्रॉस जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो इधर ए जीरो और बी, ये पॉसिबल नहीं है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है, तभी डॉट और क्रॉस क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। 7 में बोल रहा है ए बी सी तीन वेक्टर है, ए है ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, ए दिया हुआ है, ए वन आई ए टू जे, और बी वेक्टर है बी वन आई बी टू जे, और सी वेक्टर है सी वन आई सी टू जे सी थ्री के। बहुत ही रद्दड़ क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। और भी अगर आपके पास कोई इससे बुरा वर्ड हो तो वही वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बकवास। तो प्रूफ करना है ए क्रॉस बी प्लस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के। बोल रहा है इनको जरा इक्वल करके दिखाओ, ए बी सी तीन वेक्टर दे रखी है, इसको प्रूफ करो। तो पहले मैं LHS ले रहा हूँ, तो पहले क्या करो, आप बी प्लस सी निकाल लो। तो दो वेक्टर को प्लस कैसे करते हैं, बी वन सी वन बी टू सी टू और बी थ्री सी थ्री। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस करना है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। तो क्रॉस कैसे करते हैं, आई लिखो जे लिखो के लिखो, तो ए क्या होगा, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन लिखो ए टू लिखो ए थ्री लिखो, और बी प्लस सी क्या है, बी वन प्लस सी वन बी टू प्लस सी टू और बी थ्री प्लस सी थ्री, प्लस माइनस प्लस करते हैं भाई क्रॉस। ये गया पहले होगा ए टू बी थ्री, ए टू को मल्टीप्लाई करो बी थ्री प्लस सी थ्री से, फिर माइनस ए थ्री को करो बी टू प्लस सी टू से,
फिर माइनस का जे, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, ए वन को करो बी थ्री प्लस सी थ्री से, और फिर माइनस ए थ्री को करो बी वन प्लस सी वन से, फिर प्लस का के, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, ए वन को करो बी टू प्लस सी टू से, और इसको करो ए टू को करो बी वन प्लस सी वन से। फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि आगे मेरे को लग नहीं रहा कुछ करने का फायदा होगा, अगर होगा तो देखते हैं। अभी फिलहाल हम ये निकालते हैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, फिर देखते हैं क्या आता है। पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ये होगा आई जे के, तो ये हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। तो आई लिखो, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, फिर जे गया ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, फिर प्लस के गया, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये आया मेरा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी निकालता हूँ, फिर से लिखो आई जे के ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री, तो ये हो गया अपना आई, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी वन, और फिर के वाला ए वन सी टू ए टू सी वन। दोनों को प्लस करना है भाई, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी करना है। तो आई वाला प्लस होगा ए थ्री बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। एक मिनट एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हुई है, ये ए टू बी थ्री है यार, ए टू बी थ्री है माइनस ए थ्री बी टू। आई को आई से प्लस करूँगा ना, प्लस का जे, ये हो जाएगा प्लस का ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, ये हो गया आई वाला। जे वाला क्या होगा, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन प्लस ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी वन। फिर के वाला क्या आएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, उस मनहूस को भी सॉल्व करना पड़ेगा पीछे, प्लस ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। आई जे के वाला आ गया। देखो भाई ये भी बस आपको करना क्या है, बस इसको सॉल्व कर दो। बस आई वाला क्या हो गया, यहाँ पर ए टू बी थ्री ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री सी टू, ये हो गया आई वाला। ए वन ए वन बी थ्री ए वन सी थ्री ए थ्री बी वन ए थ्री सी वन, फिर प्लस का के, ए वन बी टू और ए वन सी टू माइनस ए टू बी वन माइनस ए टू सी वन। सेम ही है भाई, शक मत करना मुझ पर, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर एट हो गया, सेवन हो गया। एट एट में बोल रहा है अगर ए और बी ज़ीरो वेक्टर है तो ए क्रॉस बी ज़ीरो है। भाई अगर ए ज़ीरो हुआ या बी ज़ीरो हुआ तो ए क्रॉस बी ज़ीरो आएगा, इस पर कोई शक नहीं है। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है कि अगर ए और बी में से कोई सा ज़ीरो हुआ तो क्रॉस तो ज़ीरो होगा ही। तो बोल रहा है क्या उल्टी स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, मतलब अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो आ रहा है तो ज़रूरी है कि ए और बी भी ज़ीरो होगा। ध्यान से समझो, अगर दोनों में से कोई सा ज़ीरो है तो क्रॉस ज़ीरो आएगा, पक्की बात है। लेकिन अगर क्रॉस ज़ीरो है तो क्या ज़रूरी है ये दोनों भी ज़ीरो होंगे? देखो भाई एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मैंने ले लिया 2i 3j 4k 4i 6j 8k, ये कोलिनियर वेक्टर हैं, नॉन ज़ीरो कोलिनियर वेक्टर हैं। तो इसका ज़रा क्रॉस निकालते हैं, तो क्या होता है i j 2 3 4 और 4 6 8, निकालो ज़रा क्रॉस। ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया 18 माइनस 24,
ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया 16 माइनस 16, अरे यार ये 24 होगा ना, सॉरी 24 माइनस 24 तो 16। फिर वाला के वाला निकालो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 12 माइनस 12। देख लो भाई, 0i, 0j और 0k, यानी कि ए क्रॉस बी 0 आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या ए और बी 0 है? नहीं भाई, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो याद रखना इसका उल्टा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नो, ए एंड बी कैन बी, ए एंड बी आर एनी टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर। तो जब कभी भी आप नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर लोगे तो रिजल्ट मिलेगा जीरो, मगर वेक्टर जीरो नहीं होंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ए वर्टेक्स है 1 1 2, बी वर्टेक्स है 2 3 5, सी वर्टेक्स है 1 5 5, ए बी सी तीन वर्टेक्स है। तो यहाँ पर बोल रहा है ट्रायंगल का एरिया निकालो, ए बी सी ट्रायंगल का। तो आप क्या करो, इसकी एडजेसेंट साइड निकाल लो। पहले बी सी वेक्टर निकाल लेता हूँ। बी सी कैसे निकालते हैं? ओ सी माइनस ओ बी, टर्मिनल माइनस से नीचे। बी टू सी जा रहे हैं ना, तो सी माइनस बी करेंगे। 1 में से 2 गए माइनस आई, 5 में से 3 गए प्लस का 2j, 5 में से 5 गए 0। तो ये बी सी वेक्टर आ गया। और अब बी ए वेक्टर भी निकाल लो एडजेसेंट साइड, तो क्या होगा? ए माइनस बी, तो 1 माइनस 2 माइनस आई, 1 माइनस 3 माइनस 2j, 2 माइनस 5 माइनस 3k। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था? बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का हाफ। तो आपको पहले बी ए क्रॉस बी सी निकालना होगा, आई जे और के। तो क्या होगा? माइनस 1 2 0 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। निकालो भाई, आई लिखा पहले, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, तो ये हो गया माइनस 6 और ये तो 0 आ रहा है, छोड़ दो। फिर जे, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3, ये 0 आ रहा है, छोड़ दो। फिर प्लस का के, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया प्लस का 2 और ये माइनस का 2 है लेकिन प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 6i आ गया, माइनस का 3j आ गया, प्लस का 4k आ गया। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 9, 16, 16 और 9 25, 25 और 36 होता है रूट 61। तो एरिया कितना होगा? हाफ रूट 61 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दिस। तो भाई पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दी हुई है आई माइनस जे प्लस 3k और दूसरी दी हुई है 2i माइनस 7j प्लस k। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? इनका क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल दो। पहले क्रॉस करो, लिखो i j k, 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 7 1। तो ये क्या होगा? i, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया माइनस 1 और ये माइनस 21 है प्लस 21। फिर j, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 माइनस 6 प्लस k, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया माइनस 7 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 21 में से 20 i प्लस का 5 j और माइनस का 5। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 450। 450 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख लूं,
दो इंटू 225, 225 का रूट क्या होता है, 15√2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया होगा। अब दो क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति, 11 और 12। 11 में बोल रहा है ए और बी दो वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड है 3, ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है √2/3, बी का मैग्नीट्यूड है √2/3। बोल रहा है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो 1 है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड 1। तो बोल रहा है दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, बताओ जरा, थीटा बताना है। तो भाई ये तो हमने सीधा फॉर्मूला पढ़ा ही है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है और ए का मैग्नीट्यूड 3 है और ये √2/3 है, 3 से 3 गया, साइन थीटा हो गया हाफ, हाफ कब आता है π/4 पर। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी, ए बी सी डी ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, इनके पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हैं, मतलब ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ओ ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, -i + ½j + 4k, -i ½j + 4k। ओ बी वेक्टर भी दिया हुआ है i + ½j + 4k, i + ½j + 4k। ओ सी वेक्टर भी दिया हुआ है i - ½j + 4k और ओ डी वेक्टर भी दिया हुआ है -i - ½j + 4k। बोल रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले आप ए बी निकाल लो, ए बी लाइन वेक्टर निकाल लो, कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, तो i - i ये हो गया 2i, बाकी ये 0, ये 0। फिर आप ए डी भी निकाल लो, ए डी कैसे निकालेंगे भाई, ओ डी माइनस डी ए, ओ डी माइनस ओ ए, डी माइनस ए ना, तो -i - -i ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो जाएगा -½ - -½ - -½ तो -1j हो जाएगा और बाकी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और -½ - -½ एडजेसेंट साइड आ गई ना। अब इनका क्या करना है, क्रॉस, तो लिखो i j k 2 0 0 1 - 0 - 1 0। तो क्रॉस करूँगा तो क्या आएगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया -2, बाकी ये तो 0 है, ये भी 0 है, इसको छोड़ दो, तो ये क्या बना -2i। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 का स्क्वायर √2, तो 2 स्क्वायर यूनिट होगा इसका एरिया, तो ऑप्शन क्या है 2, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।